फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फ्रंट पोस्ट वाला घेरा बनाकर रेडी कर लिया है, और देखिए अब मैं यहाँ से येल्लो कलर ऐड करूँगी। यहाँ से मैं येलो कलर ऐड करूँगी। एक, दो, तीन। तीन चैन तो हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। अब एक, दो, दो चैन मैं यहाँ पर बीच में लूँगी, और सेम प्लेस पर फिर से मैं एक बार और डबल क्रोशिया करूँगी। देखिए इस तरह से वी शेप में बन गया है। अब यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार चैन लेंगे, और यहाँ से एक, दो, तीन, चार, चार चैन स्किप करेंगे, और पांचवी में जाकर यहाँ फिर से मैं डबल क्रोशिया, और फिर एक, दो, दो चैन बीच में, और फिर से सेम प्लेस पर यहीं पर मैं फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए इस तरह से वी शेप में बनता चला जाएगा, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है, और मैं लास्ट में आ गई हूँ। चार मैंने यहाँ पर चैन बना ली है। अब एक, दो, तीन, थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब जो हमने यहाँ बीच में दो की चैन बनाई है, वहाँ से मैं ये वाइट वाला कलर ऐड करूँगी। इस तरह से यहाँ पर मैंने वाइट कलर अटैच कर लिया है। इस धागे को मैं ऐसे ही रखूँगी। अब यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन चैन बनाने के बाद इसी जो हमने ये दो की चैन बनाई थी वी शेप में, इसी के अंदर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। अब एक हमारा ये तीन की चैन का हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और एक बार और करेंगे सात। ये हमारे टोटल 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब जब जो हमने यहाँ पर 4 की चैन बनाई है, उसमें जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से लूप लेंगे जो वी शेप में बनाई है, उसके अंदर फिर से मैं 7 बार डबल क्रोशिया करूँगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, और एक बार और निकाल लेंगे। ये हमारी इस वी शेप में 7 बार डबल क्रोशिया हो गए। अब जो हमने यहाँ पर 4 की चैन बनाई है, उसमें इस तरह से मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी, और फिर से इस जो हमने 2 की चैन बनाई है, इसमें 7 बार डबल क्रोशिया, एक में इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करते हुए इस रो को कंप्लीट करते हैं। हमारा ये राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है, और मैं अपने वर्क के एंड में आ गई हूँ। देखिए यहाँ से इसको एक, दो, तीन, थर्ड चैन में जाकर स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए येलो कलर से मैं अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। देखिए इधर से मैं यहाँ से फर्स्ट चैन छोड़ूंगी, और सेकंड चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करूँगी। अब एक, दो, तीन, तीन चैन लेने के बाद यहीं पर मैं एक बार और सिंगल क्रोशिया करूँगी इस तरह से। ये हमारा पर्ल स्टिच बन गया। अब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया किया, फिर एक, दो, तीन, तीन चैन लेंगे,
और यहाँ से आगे से दो लूप उठाएंगे ये अगले वाले, और यहाँ पर पर्ल बना देंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन, तीन चैन ली और यहाँ से अगले दो लूप उठाए और यहाँ पर पर्ल बना दिया। फिर से नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट में भी एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया और तीन चैन और अगले दो लूप उठाकर पर्ल स्टिच बना दिया। अब नेक्स्ट में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन, तीन चैन और आगे से दो लूप उठाए और यहाँ पर पर्ल स्टिच बना दिया। और इधर वाली साइड से भी मैं एक सिंगल क्रोशिया छोड़, ये डबल क्रोशिया छोड़ दूंगी। अब देखिए जहाँ पर ये हमने डबल क्रोशिया बनाया था वी शेप में, ये येलो कलर के धागे से, यहाँ पर मैं इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहीं पर जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए इधर वाली साइड भी जो ये येलो वाला सिंगल डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से इस तरह से लूप लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, ये इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए इधर वाली साइड से हम एक पर एक स्टिच छोड़ेंगे और सेकंड के ऊपर मैं यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर एक दो तीन, तीन चैन लेकर यहाँ से अगले दो लूप उठाएंगे और यहाँ पर पर्ल बना देंगे। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, सात बनाए थे हमने यहाँ पर, पांच एक इधर साइड एक इधर साइड छोड़कर पांच के ऊपर मैं यहाँ पर पर्ल बना दूंगी। एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद अगले दो लूप उठाएंगे और यहाँ पर पर्ल बना देंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन और यहाँ पर पर्ल बना दिया। नेक्स्ट में जाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेने के बाद यहाँ से अगले दो लूप उठाए और पर्ल स्टिच बना दिया। अब एक और लास्ट में बनेगा, एक दो तीन चार, चार हमने बना दिए, एक दो तीन, तीन चैन ली और यहाँ फिर से हमने पर्ल बना दिया। और इस तरह से एक लास्ट में हमारा यहाँ पर स्टिच बच गया। अब देखिए कोई लूप नहीं लेंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया है येलो वाला, यहीं पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। ये इस तरह से देखिए फ्लावर बनते चले जाएंगे। अब जो इधर वाली साइड हमारा येलो ये वाला हमने डबल क्रोशिया बनाया है येलो, वहीं पर मैं इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर से एक स्टिच इधर छोड़कर और एक इधर, पांच के ऊपर मैं यहाँ पर पर्ल बना दूंगी। ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से ये पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखने में ये कुछ इस तरह से लग रही है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।